so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it. हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी ये दुआ है सबके लिए कि ये साल सबके लिए अच्छा रहे। तो अभी मैं मार्केट थोड़ा काम था, उधर से आया हूँ मैं। तो आज सारा दिन ही ऐसे था, थोड़ा खेत गया, खेत के बाद थोड़ा मार्केट गया, तो अभी आया हूँ। और अभी टाइम हो गया है 6:10, और अभी मैं घर जाके आपको मिलता हूँ। और आज आपके लिए कुछ स्पेशली मैसेज है, वो आपको अपने नया साल है, तो आपके लिए कुछ मैं अपने जो दिल की मेरे अंदर की फीलिंग है वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं घर जाता हूँ, फिर जाके आपसे मिलता हूँ। ओके, गाइज, आपको मैंने जो अपनी लाइफ की एक चीज़ शेयर करनी थी, और वो है कि आपने मुझे देखा होगा काफ़ी ज़्यादा, मैं फिटनेस लवर हूँ, हाउस लवर हूँ, डॉग्स लवर हूँ, किड्स लवर हूँ। आपने देखा होगा मेरी वीडियोज में कई बार। तो आपको मैं ये बता दूँ कि इसका जो जितना कुछ भी मैंने सीखा है और जो कुछ भी है, तो मैं डेरा सच्चा सौदा को फॉलो करता हूँ, सेंट एमएजी को। तो आपने मेरे देखा होगा गले में काफ़ी बार लॉकेट भी देखा होगा। तो जो कुछ सीखा है मैंने इन्हीं से ही सीखा है। तो मैं डेरा सच्चा सौदा को फॉलो करता हूँ। तो और इसका भी एक सॉन्ग आया था, जागो देश के लोगों, नशे के ऊपर आया था, तो वो आप सुन के देखो, ठीक है। तो मतलब जितना कुछ भी इसने, मतलब जो कुछ मैंने सीखा है, हर चीज़ सीखी है, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, इन्हीं का ही सिखाया हुआ है। और अब का देखता होगा आज का काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से थोड़ी ईर्ष्या नफरत चलती रहती है, एक दूसरे से जायर से फील करना, तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं और आपको पता ही होगा। तो आप ही सब ये चीज़ें छोड़ दो, और न्यू ईयर है, और आज के दिन ही अच्छे कार्य करने स्टार्ट कर दो, और नफरत से करनी छोड़ दो किसी तरह से, सबसे निस्वार्थ प्रेम करो और अच्छे से रहो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। तो हम भी ऐसा करते, आप भी ऐसे करो। तो आपने मतलब ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा मैं, बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं डेरा सच्चा सौदा को फॉलो करता हूँ, और आप भी उसको थोड़ा फॉलो करके देखो, तो आपके अंदर भी सारी चीज़ें आएंगी। और आज न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर। तो कुछ ज़्यादा कम बोला गया तो उसके लिए दिल से सॉरी। इसका जो मैंने सॉन्ग बताया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उधर जाके देख सकते हो, अगर आप सर्च नहीं कर सकते तो। तो मतलब एक एक जैसे बोलते हैं ना, कतरा कतरा, मतलब छोटी से लेकर बड़ी तक चीज़ कोई सीखता है, कुछ भी सीखता है, मैंने हर एक चीज़ उधर ही जाके सीखी, उन्होंने मुझे खुद सिखाई है। तो मैं इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करता हूँ। मैंने देखा होगा अपनी लॉकेट भी ऐसे ही ओपन रहता है, सिर्फ उसी का ही दिया हुआ है मेरे अंदर यह टैलेंट है, और वैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जहाँ भी जाता हूँ मैं तो रिस्पेक्ट देता हूँ, रिस्पेक्ट मिलती है, हर जगह प्यार मिलता है। तो आप ही ऐसे बनो, अच्छे भलाई के कार्य करो। तो न्यू ईयर है, तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो आपके लिए नया साल काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भरा रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई सुखी रहे, दुख से दूर ही रहे। तो थैंक यू सो मच। तो आज के लिए यही था, आपको स्पेशल मैंने यही बताना था अपने लिए। मतलब आज का मेरा जो है ना बेस्ट कार्य यही है, इसके बिना मुझे नहीं लगता कि इसके बिना भी कोई बेस्ट कार्य हो सकेगा, ठीक है। तो अपनी फिटनेस पर ध्यान दो, सेहतमंद बनो, और जो मतलब फास्ट फूड से दूर हो, फिटनेस पर ध्यान दो, अच्छे अच्छे कार्य करो, तो यही हमारे इंसानियत का एक काम है। तो ठीक है, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। तो खुदा हाफिज़। तो टैलेंट मीट नहीं होगा।
फिर इल्जाम लगते हैं मित्रों, दुनियादारी बड़ी गंदी चीज है। वो कहते नहीं होंगे जे बराबरी ना हो सके तो बदला भी हो।